इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। कान खोल के सुन रहे हो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ, और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो, आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश, चार राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। कान खोल के सुन रहे हो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है, इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी, वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। आपके बाल बच्चे किस हाल में, इसकी परवाह इन्होंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे। लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार।